हेलो एवरीवन। तो फाइनली पोषण ट्रैकर ऐप में जो 21.5 का जो न्यू अपडेट आया हुआ है, जिसको लेकर आंगनवाड़ी सेविकाओं को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली जो वीडियो अपलोड किया है, जिसमें आप सभी को मैंने बताया है कि पोषण ट्रैकर ऐप में क्या क्या जो न्यू अपडेट हैं वो आए हुए हैं। जैसे कि उस वीडियो में काफ़ी सारे जो कमेंट हैं वो आंगनवाड़ी सेविका बहनों के द्वारा पूछे जा रहे हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो है वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, OTP की जो समस्या है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग कैसे जो है पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन करेंगे, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक दो तरीका बताने वाला हूँ, जिस तरीके को करके आप लोगों का हो सकता है कि आप लोगों का जो पोषण ट्रैकर ऐप है वहाँ पर लॉगिन हो जाए। क्योंकि बेसिकली बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो आज की जो है पोषण ट्रैकर ऐप पर जो गतिविधि होती है, जो पोषण ट्रैकर ऐप पर अपना अटेंडेंस होता है, वो सारी अटेंडेंस को जो है अभी तक अपलोड नहीं कर पाई होंगी, अगर वो अपडेट कर ली होंगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को अभी अपडेट नहीं किए हैं तो अपडेट मत कीजिए। पहले जो आप लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप का काम है उसको कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप का जो ये न्यू अपडेट है उसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी जो मेन समस्या आप लोगों को देखने को मिल रही है वो पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन करने को देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में अभी जो है वो इस प्रकार से जो लॉगिन पेज देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा कि पोषण ट्रैकर ऐप का जो पुराना वाला एमपिन है उसको चेंज करना होगा। उसको चेंज करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी आंगनबाड़ी सेविका बहनों को काफ़ी सारी समस्या देखने को मिल रही है। वो समस्या ये है कि एमपिन फॉरगेट करने पे भी आप लोगों का एमपिन फॉरगेट नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आप लोग अपना यहाँ पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल रही हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के बावजूद भी यहाँ पर वो सर्वर इशू के कारण आप लोगों का बता रहा है कि जो है आपका जो मोबाइल नंबर है वो पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर नहीं है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहाँ पे डाल रहा हूँ, डालने के बाद जो है यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी जो इसका रिस्पॉन्स है वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है, और यहाँ पे कुछ देर बाद ट्राई करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से जो है वो आप लोगों का एमपिन फॉरगेट करने का जो पेज है वो खुल के आ रहा है। तो आप लोगों को करना क्या होगा इस प्रकार से जो समस्या आ रही है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा। ठीक, तो देखिए हमारे पास जो है वो OTP आ चुका है। अगर आप लोग OTP भी डाल रहे होंगे तो यहाँ पे OTP आप लोगों का बहुत देर से जा रहा होगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना है, शाम तक वेट कर लेना है या रात तक जो है ये समस्या आप लोगों की ठीक हो जाएगी। ठीक है, सर्वर पर जो है टेक्निकल टीम जो है वो लगी हुई है, पोषण ट्रैकर ऐप की जो टीम है वो लगी हुई है यहाँ पर इस समस्या को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं पहले यहाँ पे एमपिन डाल लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ किस प्रकार से आपको क्या करना है। ठीक है, तो हमारे पास एमपिन आ चुका है, हम यहाँ पे एमपिन डाल चुके हैं। डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी जो है यहाँ पे आप लोग कोई भी काम करेंगे तो यहाँ पे सर्वर इशू के कारण, नेटवर्क इशू के कारण जो है आप लोगों का यहाँ पे कोई भी काम जो है जल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों को यहाँ पे वेट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया है, फिर भी यहाँ पे जो है लिख के आ रहा है दिस मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड विथ एनी आंगनवाड़ी एजेंट। यानी कि सारा कुछ यहाँ पे मैंने सही फिल कर दिया है, फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं जो OTP है यहाँ पे नहीं ले रहा है, वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये जो समस्या है अभी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। क्या है कि जो आप लोग यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप में एमपिन फॉरगेट करने के लिए जा रहे होंगे तो यहाँ पे आप लोगों का एमपिन भी नहीं आ रहा होगा, एमपिन आ भी रहा है तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है वो समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसके लिए अभी आप लोगों को वेट करना होगा, जिससे कि आप लोग यहाँ पे जो है इस समस्या को समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे लाइव प्रोसेस सारा कुछ यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, फिर भी ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। आप लोगों को अगर इस प्रकार से जो है OTP वाला बॉक्स खुल के नहीं आ रहा है तो आप अपने पोषण ट्रैकर ऐप को एक दो बार इंस्टॉल कीजिए, फिर से यहाँ पर आके अपना फॉरगेट एमपिन कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग करेंगे तो आप लोगों का शायद यहाँ पर हो सकता है कि आपका यहाँ पर सक्सेसफुली जो है पिन जेनरेट हो जाए। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि अगर ऐसे ही समस्या आ रही है तो आप क्या करेंगे, एक बार दो बार पोषण ट्रैकर ऐप को अनइंस्टॉल कीजिए, फिर इंस्टॉल कीजिए, फिर आप लोग यहाँ पे आइए, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने ही क्या दिखा रहा है, नेटवर्क इज़ नॉट रीचेबल। अभी आपके सामने ही ये सारा कुछ प्रोसेस चल रहा है, नेटवर्क इज़ नॉट रीचेबल दिखाने लगा है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 मिनट का टाइम होता है, जैसे कि 5 मिनट के बाद आप लोग फिर से जो है OTP को रिसेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम थोड़ा देर और वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारा जो है MPIN रीसेट हो पाता है या नहीं। आप लोग भी इस प्रकार से ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों का नहीं हो पा रहा है MPIN फॉरगेट, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि अपने पोषण ट्रैकर ऐप को अनइंस्टॉल कर देंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद आप लोग इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से जाके, और फिर आके यहाँ पर आप अपना जो है MPIN को फॉरगेट करेंगे। आप लोग यहाँ पर थोड़ा देर वेट करेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करेंगे तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली जो है यहाँ पे MPIN फॉरगेट हो जाएगा और आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब जो टाइमिंग है वो समाप्त होने वाला है, 5 मिनट का जो टाइम होता है यहाँ पे अब एंड हो चुका है। अब हम लोग फिर से यहाँ पे क्या करेंगे कि जो रिसेंट OTP का ऑप्शन दिया गया है इस पर हम लोग फिर से क्लिक करते हैं और देखते हैं कि अब जो है यहाँ पे OTP भेज रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा देर वेट करते हैं। अभी भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नेटवर्क इज़ नॉट रिसीवेबल लिख के आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों का शायद हो सकता है कि हो जाए, ठीक है। तो आप लोग भी ट्राई करते रहिए, 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग जितना हो सके यहाँ पे आप लोग आके ट्राई कीजिए, क्योंकि अभी जो है ये न्यू अपडेट है, इसमें कुछ जो टेक्निकल इशू है जिसके कारण अभी ये आप लोगों को समस्या देखने को मिल रही है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद भी जो है हमने रिसेंट OTP किया है और OTP अब तक हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे नहीं आया है। तो देख सकते हैं इस प्रकार की समस्या अभी हो रही है। तो आप लोग इस प्रकार से जाइए पोषण ट्रैकर ऐप में, इस प्रकार से ट्राई करते रहिए। तो MPIN सेट कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो है लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे नेटवर्क इशू का जो है प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप अपना वहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर जो पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, जो आपने नया पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को वहाँ पर डालिएगा और वहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर दीजिएगा तो आप लोगों का वहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अगर लॉगिन हो जाता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी आंगनबाड़ी सेविका बहनें जो है वो ट्राई करके अपना जो है पोषण ट्रैकर ऐप में आसानी से लॉगिन कर पाए, ठीक है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आप तक सारी चीज़ें पहुँचती रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।